देश की सबसे बड़ी पंचायत के जिन नतीजों का इंतजार हिंदुस्तान को था, उनके नतीजे आना शुरू हो गए हैं। रुझानों में बीजेपी जीतती नजर आ रही है, 341 सीटें रुझानों के अंतर्गत दिखाई दे रहा है, और राजस्थान के अंदर 25 की 25 सीट बीजेपी के खातों में रुझानों के माध्यम से जाती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली के अंदर 7 सीटें बीजेपी के खातों में गई है, और अजमेर से रिकॉर्ड जीत जो बीजेपी के प्रत्याशी भागीरथ चौधरी हैं, उन्होंने जीत दर्ज की है। और ओवरऑल जैसा कि नतीजा सामने टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, तो बीजेपी के खाते में 340-345 का जो रुझान का आंकड़ा चल रहा है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, और उस पर हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जिट पोल जब आए तो 300 का आंकड़ा पार किया गया, और लेकिन धरातल पर, ग्राउंड पर, वोटर के मन पर, वोटर को क्या मुद्दे भाए, किन मुद्दे के आधार पर वोटर ने वोट किया, और बीजेपी को ये बढ़त, इतनी भारी जीत, एक तरीके से सुनामी की तरह 2014 में मोदी की हवा थी और इस बार इसको सुनामी कहा जा रहा है, तो ये सुनामी क्यों आई, ऐसी वोटर ने इतना जनमत क्यों दिया, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी के लिए क्या माइनस पॉइंट रहे राजस्थान के अंदर 25 की 25 सीट हारने के पीछे? सर, आपको क्या लगता है कि प्राइम मिनिस्टर बीजेपी को इतना ज़्यादा जनमत क्यों मिला? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर नरेंद्र मोदी जी रहे, उन्होंने जो भी बात कही वो जनता की भाषा में बात कही, जो जनता को सीधे इम्प्रेस कर रही थी, और वो अपनी बात जनता तक पहुंचाने में कामयाब हो गए, एक नंबर। नंबर दो, ये भाजपा, इनके जो प्रतिद्वंदी मुख्य पार्टी कांग्रेस मान रहे थे, वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाई, उसमें कहीं कोई प्लानिंग नहीं हुआ करती थी कि हमको आगे क्या करना है। हमेशा मोदी जी ने कोई अटैक किया, उसका जवाब दिया कांग्रेस ने, लेकिन एक सवाल नहीं खड़ा कर पाई और मजबूती से अपनी बात नहीं कह पाई। मुझे ये लगता है कि ये कांग्रेस की बहुत बड़ी गलती रही, कांग्रेस की बहुत बड़ी गलती रही है। क्या राष्ट्रवाद खूब चला इस बार? बिल्कुल, ये चुनाव ही इस बार राष्ट्रवाद पे लड़ा गया, मुद्दों पे चुनाव लड़ा नहीं गया है। और सबसे बड़ी बात कि 2014 में जिन मुद्दों पर जो मोदी जी आए थे, वो मुद्दे जो है अभी गौण रहे, राष्ट्रवाद, पुलवामा क्या, और जो नए युवा जो है, मतलब युवाओं का एक फोकस ये था कि मोदी जी है तो मुमकिन है, और मोदी जी को एक सशक्त प्रधानमंत्री के रूप में, एक मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में युवाओं ने देखा है। और भारतीय जनता पार्टी की जो सटीक रणनीति है कि अच्छे उम्मीदवार और धरातल पर उनके कार्यकर्ता, कांग्रेस के पास में कार्यकर्ताओं की कमी, और लास्ट मूवमेंट पे आप देखिए, विधानसभा चुनाव में भी जो है भाजपा ने पहले अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए थे, लोकसभा में भी जो है भाजपा उनसे पहले आ चुकी थी। कांग्रेस इसी उधेड़बुन में लगी हुई थी कि फलां जगह से किसको दें, फलां जगह से किसको दें, तो उनकी ये जो लेट लतीफ़ी है, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। राजस्थान के अंदर सर 25 की 25 सीटें बीजेपी को गई हैं, हॉट सीट मानी जा रही थी, बाड़मेर माना गया, जोधपुर माना गया, नागौर माना गया, सारी की सारी सीटें बीजेपी जीती, आपको क्या लगता है? देखो सुशील, कांग्रेस जो बाड़मेर और जोधपुर के साथ पूरी की पूरी 25 सीटें आ रही हैं, उसके पीछे इनके संगठन, इनके अहम और एक दूसरे की टांग खिंचाई कारण है। आप ये देखो, बाड़मेर में जो मानवेंद्र के लिए माहौल बना था, नरेंद्र मोदी ने जो रैली करके उस माहौल को पूरा बदल दिया। इनके भीतरघात इस स्थिति में थे कि ये सत्ता में आने के बाद भी एक दूसरे के भीतरघात करते रहे। कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि वो संगठन चला रही है, वो पान की दुकान नहीं चला रही है। ये जो जीत है बीजेपी की, ये वास्तव में कांग्रेस की हार है। कांग्रेस को इसका मंथन करना चाहिए, नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए, चाहे वो जिलाध्यक्ष हो विभिन्न जिलों के, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, इनको इस्तीफा देना चाहिए, नए लोगों को लाना चाहिए जो डेडिकेटेडली कांग्रेस के लिए काम कर सके, संगठन का पूरा ढांचा परिवर्तन करना चाहिए। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कांग्रेस के मोटे मोटे 5 हार के कारण और बीजेपी के 5 जीत के कारण। देखिए, कांग्रेस जो पिछले बार विधानसभा चुनाव में जो जीती, तो उसके बाद कांग्रेस को ये लगने लगा कि हमारे सारे दरवाजे खुल गए, या ये देखें कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो नाराजगी थी स्टेट की, वो विधानसभा में निकल गई, तो भाजपा बिल्कुल संतुष्ट थी कि जो भाजपा के खिलाफ जो वोटर की नाराजगी है वो खत्म हो चुकी है, अगली बार हम बड़े आसानी से वोटर को मना लेंगे और जीत जाएंगे। नंबर एक। नंबर दो, कांग्रेस अपनी अंदरूनी राजनीति में कि इसको नीचा दिखाना है, इसकी जगह मुझे जाना है, इसको हटाना है, मुझे ये करना। अब जैसे आप देखेंगे, जब मुख्यमंत्री बनाए गए तो 3-4 दिन बाद ये तय हुआ कि फलाना मुख्यमंत्री तय होगा, भाई दो लोग लड़ रहे हटाओ, तीसरे को कर लेते।
और यहाँ तो 200 के 200 लोग तैयार थे कि मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले। नंबर एक, नंबर दो, राहुल गांधी साहब के पास जो एक चंडाल चौकड़ी है, मुझे लगता है उसको बदलना पड़ेगा। क्योंकि उस चौकड़ी को जब तक राहुल गांधी या गांधी परिवार नहीं बदलेगा, जब तक इस देश के अंदर कांग्रेस सर्वाइव करना मुश्किल होगी। प्रियंका जी को लेके आए, आप एक साधारण कार्यकर्ता के रूप से लाए, फिर महासचिव बना दिया, फिर चुनाव लड़ने तक की बात होगी, तो ऐसा क्या आ गया था कि तीन महीने में आपने सब कुछ कर लिया? या पहले से शुरू से आप 6 महीने पहले उनको महासचिव बनाते और ये कहते कि चुनाव लीड वो करेंगी? राहुल गांधी अध्यक्ष हो सकते हैं लेकिन लीड महासचिव करेगा, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ राहुल गांधी को लाएंगे, वरना प्रियंका गांधी होंगी। तो मैं सोचता कि कहीं ना कहीं वो अपने नाक बचाने की स्थिति में कांग्रेस आ सकती थी, नंबर एक। नंबर दो, कांग्रेस को अपनी बुराई कांग्रेसियों से सुनना पसंद नहीं। अगर 10 जनपद आप लोग साथ जाते हैं या नहीं जाते, मैं कई बार गया, 24 अखबार रोड भी जाता हूँ, और 10 जनपद पर इसलिए कि राहुल जी के बहुत अभिन्न मित्र हैं, जो मेरे भी मित्र हैं, मिस कॉल करते हैं तो राहुल जी उनको जवाब देते हैं, इतना बड़े आदमी हमारे पास है। तो वो हमेशा ये कहते थे कि भैया अंदर की बात बाहर आती ना, इसलिए कांग्रेस खराब हो गई उनके। हमेशा हम मजाक करते हैं यार, मैंने वकील साहब ऐसा नहीं, तो बोले ऐसे ही हो रहा। 24 अखबार रोड पर आप जाएंगे, राहुल गांधी से अगर मिलना है इस स्थिति में भी, तो बड़ा खतरनाक है। जबकि आज की स्थिति होनी चाहिए चौपाल लगा के बैठ जाओ। तो जो लोगों ने नेतागिरी को अपनी बापोती समझ लिया कि हमारे अलावा कोई नहीं, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि किसी को मौका नहीं दे रहे आगे आने का, और ये इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा जब तक संगठन और संगठन की नीतियाँ नहीं बदलेंगी। बीजेपी के 5 कारण जिसको मां के प्रचंड बहुमत जनता ने दिया, देश ने दिया, 340 का आंकड़ा क्रॉस कर रहे हैं। सबसे बड़ा कारण जो है कि बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी जी और जो शाह साहब, दोनों में की ट्यूनिंग बहुत बढ़िया थी, जुगलबंदी बहुत बढ़िया थी। कभी दोनों ने एक दूसरे के एंटी कुछ भी नहीं करा, ऐसा लगता था कि एक दो स्पीकर लगे हुए एक ही माइक से, और ये बहुत बड़ी बात होती, ये बताते कि आप कितने यूनाइट हो। नंबर एक, जहाँ कहीं डिस्प्यूट की बात आई तो ये लोग खामोश हो गए, इन्होंने उस डिस्प्यूट को जब तक पॉजिटिव नहीं ले लिया तब तक कुछ नहीं बोले, कोई रिएक्शन इमीडिएट नहीं कर दिया जो इनके खिलाफ। तीसरी बात ये कि अपनी बात ये दबंगता से रख रहे थे। जब लोगों ने कहा रोज़गार नहीं मिलता, बहुत बड़ा कारण था कि आप रोज़गार नहीं दे पा रहे हो, तो उन्होंने बताया कि हम रोज़गार क्यों नहीं दे पा रहे, क्योंकि हमारे यहाँ भी संसाधन डेवलप हो रहा है, वो हो जाएंगे, रोज़गार आपको मिलेगा, बाहर से तो लाएंगे नहीं। तो लोग संतोष हो गए कि ये फैक्ट्री बन रही है, हमारे लिए बन रही है। काफ़ी चीज़ें उन्होंने बड़े तरीके से समझाई लोगों को समझ में आ गई। सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने लोकल लोगों की भाषा में बात की, उन्होंने एक हाई लेवल की बात नहीं, कोई थोपी हुई बात नहीं बोली। तीसरा, इन्होंने लिखा हुआ भाषण कहीं नहीं पढ़ा, जो बहुत बड़ी बात होती कि अमूमन नेताओं को अपन ने देखा कि पन्ना पलट गया तो दिक्कत हो जाती थी कि हम लिंक कैसे करें। तो वो कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में रहा, और नो डाउट कि अच्छी पार्टी के लिए, अच्छी लीडरशिप के लिए ये कैरेक्टर होना बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस के लिए कोई सुझाव? कांग्रेस के लिए तो सुझाव यही है कि जिस तरीके से अन्य राज्यों में कांग्रेस साफ हो चुकी है, अगर अब भी नहीं बदली तो एक समय ये भी आएगा कि राजस्थान, MP और ये छत्तीसगढ़ कुछ राज्य बचे हैं, यहाँ कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। और कांग्रेस को अब समझना पड़ेगा, देश के राजनेता राहुल गांधी को समझना पड़ेगा, सोनिया जी को समझना पड़ेगा, सचिन पायलट जी को समझना पड़ेगा कि कार्यकर्ताओं के साथ आँख से आँख मिलाकर बात करनी पड़ेगी, उनको मान देना पड़ेगा, उन्हें अच्छे ईमानदार लोगों को पार्टी में जगह देनी पड़ेगी। और अगर जीतने के बाद में हवा हवाई बन के घूमे, कार्यकर्ताओं से आँख नहीं मिलाओगे, कार्यकर्ताओं से बात नहीं मिलाओगे, तो इससे भी बड़ी दुर्दशा होगी। पैराशूट कैंडिडेट उतार दिए जाते हैं, ये एक मुद्दा है या नहीं? ये मैं कई बार कह चुका हूँ, कई डिबेट में मैं कह चुका हूँ कि कांग्रेस भाजपा में सबसे बड़ी चीज़ यही है कि भाजपा जो है साल भर पहले से इस तरीके की प्लानिंग करती है कि किस विधानसभा, किस लोकसभा क्षेत्र में हमें किस कैंडिडेट के ऊपर, मतलब जो है उम्मीदवार बनाना है, काम करना है, उसकी हर चीज़, उसका हर चीज़ डाटा इनके पास, नीचे से नीचे कार्यकर्ता है जो भाजपा के पास ऊपर तक पहुँचाता है कि ये व्यक्ति अच्छा है, इसकी छवि साफ है। कांग्रेस क्या करती है कि दिखाती किसी और चेहरे को है और देती किसी और चेहरे को है। और कांग्रेस में सबसे बड़ा बदनामी का धब्बा ये है, चाहे विधानसभा चुनाव हो राजस्थान के या लोकसभा चुनाव हो, इन पर पैसे के बहुत आरोप लगे हैं साहब, 2.5-3 करोड़ रुपए। मैं नहीं कह रहा हूँ, हर व्यक्ति कह रहा है, हर कांग्रेसी कह रहा है कि कांग्रेस की स्थिति आ गई कि 2 करोड़, 2.5 करोड़, 5 करोड़ रुपये दीजिए और टिकट ले लीजिए। अगर आप करोड़ों में टिकट बेचेंगे तो आप, जनता अब मूर्ख नहीं है, आज की तारीख में जनता इतनी जागरूक हो चुकी है, इस तरीके के आजकल मीडिया, मतलब
चाहे फेसबुक हो चाहे व्हाट्सअप हो, मतलब दूर संचार क्रांति इस तरीके की आ गई कि अब आदमी को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आपको अजमेर ज़िले से अगर सांसद का चुनाव किसी को लड़वाना है तो आपको अजमेर से उस व्यक्ति को निकालना पड़ेगा, क्या उसको टिकट देना पड़ेगा, तब आप अजमेर में जीत दर्ज कराओगे। वरना 25 2014 में आपने खोई थी, 25 आप 2019 में खो चुके हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 2024 में भी आप 25 खोएंगे अगर आपने अपने आप में बदलाव नहीं किया। 2024 में भी खोएंगे। सर आपको क्या लगता है बीजेपी प्रचंड बहुमत से क्यों जीती इतने और कांग्रेस इतनी बुरी तरीके से क्यों हार गई? पहली चीज़ है कि लोग इस बार नरेंद्र मोदी के विकल्प में चेहरा मांग रहे थे, कांग्रेस वो चेहरा नहीं दे पाई। राहुल गांधी खुल के नहीं बोल पाए कि हाँ मैं प्रधानमंत्री हूँ, तो शायद कुछ फ़र्क पड़ता। लोगों को ये चाहिए था कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन। इनकी लीडरशिप या नेतृत्व नहीं मिला लोगों को, लोगों को लगा कि ये फिर पावर में आएंगे, गठबंधन करेंगे, मिलीजुली सरकार बनाएंगे, जो कि लोग देख चुका है, ये देश देख चुका है। दूसरी चीज़ आप प्लानिंग देखें, वसुंधरा राजे से नाराज थे लोग, राजस्थान के विधानसभा में उन्होंने वसुंधरा राजे को हटाया। बीजेपी की आप प्लानिंग देखो, वसुंधरा राजे को कहीं पे भी जो है कैंपेन के लिए नहीं लाया गया। तीसरी चीज़, जिस प्रकार के सोशल मीडिया बीजेपी ने चलाया है, अब आप अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें चल रहा है कि राहुल गांधी बैठे हैं और कह रहे हैं कि भले ही हम हार गए लेकिन मनोरंजन में तो कमी नहीं आई है। तो इस तरह की चीज़ों से, इस चीज़ का माहौल, जो लोग ये सोच रहे होंगे यार ये देखो ये गलत हो गया, वो गलत नहीं होगा, वो उस प्रकार के कार्टूनों को देख के वो कांग्रेस की इमेज या छवि वैसी बनाई गई है, बीजेपी के लिए फ़ायदे की कौन सी बात कही जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजस्थान में बहुत रैली कही, क्या सर्जिकल स्ट्राइक बहुत ज़्यादा हावी रही यहाँ पर, और क्या जाति पॉलिटिक्स इस बार हटके लोगों ने वोट किया? सुशील, जो कम्युनिकेशन रिसर्च के जो टॉपिक होते हैं उसमें ये रिसर्च किया गया था कि ऐसा क्या कारण था कि हिटलर जो था वाइस चांसलर बनने के बाद लोगों पर खाने को नहीं था, उसके बाद भी जो पैसा या टैक्स आता था उससे हथियार बनाए जाते थे, वो थी प्रोपेगेंडा पॉलिसी। उस प्रोपेगेंडा पॉलिसी को डेवलप करके बीजेपी ने ये किया कि लोगों के दिमाग को, प्रोपेगेंडा करता क्या है कि लोगों के दिमाग को बिल्कुल फ्रेश कर देता है, जो चीज़ वो चाहते हैं जिस नज़रिए से दिखाते हैं। एक होता है नरेटिव जो मैं आपको कह रहा हूँ, और एक होता है पर्सपेक्टिव नरेटिव, यानी मैं जो कह रहा हूँ वही आपको दिख रहा है। इस प्रकार के पर्सपेक्टिव नरेटिव के प्रोपेगेंडा को बीजेपी ने बखूबी उठाया, तकनीकी रूप से उठाया और लोगों के मानस में बनाया इस चीज़ को, लोगों के मानस में उतारा। और नतीजे शाम तक हम आपको और बताएंगे लगातार पूरे देश में कहाँ कहाँ कौन कौन सी सीटों के ऊपर, लगातार जहाँ जहाँ से आंकड़े हमारे पास आते रहेंगे, जहाँ जहाँ का डिक्लेरेशन होता रहेगा, उन तमाम नतीजों को हम आपको बताते रहेंगे। आप हमारे ट्विटर अकाउंट पर जाकर हर मिनट अपडेट चेक कर सकते हैं NPTV इंडिया पर, और हम आपको देर रात तक भी आपको अपडेट करेंगे कि आखिर पूरे राजस्थान में और पूरे हिंदुस्तान में किस सीट से क्या नतीजे सामने आ रहे हैं। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ सुशील पाल, NPTV इंडिया, अजमेर।